अर्ली एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला अर्ली एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रीस्टले। जोसेफ प्रीस्टले ने क्या किया, एक बंद क्लोज जार लिया, इसमें एक चूहे को रखा और एक बर्निंग कैंडल रखी। बर्निंग कैंडल हम जानते हैं जब भी कंबसन होता है तो ऑक्सीजन का यूज करता है, ऑक्सीजन से ही कंबसन होता है, ऑक्सीजन ख़त्म वैसे ही कैंडल बुझ जाएगी। तो क्या हुआ, चूहा जो है एनिमल है, एनिमल रेस्पिरेशन जब करते हैं तब भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, CO2 निकालते हैं। क्या हुआ, कुछ देर बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम होती गई होती गई, इतनी कम हो गई कि कैंडल बुझ गई और चूहा भी मर गया। उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन इस बार एक पौधा वहाँ रखा, कौन सा, मिंट, मिंट का पौधा रखा। इससे क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन आई, बर्निंग कैंडल CO2 बन गई, रेस्पिरेशन द्वारा O2 CO2 बनी। लेकिन प्लांट्स ने CO2 को यूज़ किया फोटोसिंथेसिस से और CO2 को ऑक्सीजन में बदल दिया, तो ना तो कैंडल बुझी ना चूहा मारा। इनसे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि प्लांट्स रिस्टोर, प्लांट्स वापस वो चीज़ डाल देते हैं टू एयर, एयर में वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स, वो जो भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ सांस लेते हुए एनिमल या फिर जलती हुई कैंडल निकाल देती है, प्लांट्स उसे वापस डाल देते हैं उसमें। दूसरा एक्सपेरिमेंट जैन इंडियन हाउस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि प्लांट्स जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये जो है प्लांट्स रिस्टोर करते हैं सिर्फ इसकी में सनलाइट की प्रेजेंस में। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया, उसके ऊपर ऐसा कुछ सेटअप था उनका, ये गया एक्वाटिक प्लांट, मान लो कुछ भी है ये, इसके ऊपर ये पानी है ये, जब यहाँ पर लाइट पड़ी इसने फोटोसिंथेसिस की, ये जो था पौधा इसने ऑक्सीजन निकाली, तो यहाँ पर इस स्पेस पर यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई। लेकिन जब अंधेरा था तब ये नहीं हुआ, इनने कंक्लूड किया कि जब सनलाइट होगी तभी कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा वरना नहीं करेगा। जूलियस वॉन सैक, इन्होंने क्या बताया कि ग्लूकोज तभी बनता, तब बनता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, बस और कुछ है नहीं इसमें। और TW एंजलमैन, इन्होंने क्या किया, हम सब जानते हैं प्रिज्म जो है वाइट लाइट को उसके सभी रंगों तोड़ देता है, इन्होंने क्या किया, एक एल्गी लिया क्लेडोफोरा, ठीक, इन्होंने क्या किया, इस पर अलग अलग रंग की विपगे होता है, ये वेवलेंथ्स की लाइट डाली, इन्होंने क्या देखा, इसके चारों तरफ इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया रखा। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़िंदा रह सके, ऑक्सीजन यूज़ करे, तो इन्होंने यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया रखा। तो उन्होंने देखा कि जो ब्लू लाइट थी, ब्लू लाइट और रेड लाइट, इसके पास बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा थी, यहाँ बैक्टीरिया आ गया, बाकी जगह ऑक्सीजन कम निकली वहाँ से हट गया या मर गया वहाँ वाला बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। इससे ने क्या पता किया कि जो ब्लू लाइट है और जो रेड लाइट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है, ठीक, यहाँ दिया भी है ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आखिरी जो समझ में बहुतों को नहीं आया, कॉर्नेलियस वैन नील, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करता है। पता है, नहीं आया समझ में, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास CO2 है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, C6H12O6, हमारे पास ये है, अब हमें क्या चाहिए कि ये बन जाए,
हाइड्रोजन की एक कमी है तो हमें चाहिए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमें किससे मिलेगी? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जब इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए। इन्होंने क्या देखा,